आपका क्वेश्चन है प्रूव दैट, यहां पर देखो क्या दिया है, 8 पावर इज -2/3 इंटू 2 पावर इज 1/2 इंटू 25 पावर इज -5/4 डिवाइडेड बाय 32 पावर इज -2/5 इंटू 125 पावर इज -5/6 दैट इज इक्वल टू रूट टू। ठीक है ना, तो इसको हमको सॉल्व करना है इक्वल टू रूट टू। तो ये देखो आपका क्या होगा, वी नो दैट 8 हमारा क्या होता है 2 का क्यूब, तो वी विल राइट लाइक दिस 2 क्यूब एंड पावर इज -2/3 इंटू 2 पावर इज 1/2 इंटू 25 इज 5 स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 5 स्क्वायर एंड पावर इज -5/4 डिवाइडेड बाई, और देखो क्या है आपका 32, 32 में कितने 2 होते हैं 5, 2 का पावर इज 5। तो ये आपका आ जाएगा 2 का पावर इज 5 एंड हुज पावर इज -2/5 इंटू 125 इज 5 क्यूब। तो ये हो गया आपका 5 क्यूब एंड उस पावर इज -5/6। नाउ पावर देखो दोनों पावर है, दैट मीन दे विल गेट मल्टीप्लाइड। तो अब आप उसको कट कर सकते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, 3 एंड 3 गो 2 वन जा एंड इधर 4 इज 2 5 एंड 5 गॉन। यहां पर देखो 3 वन जा एंड 2, तो अब देखो ये क्या आ रहा है आपका 2 टू द पावर ऑफ -2 इंटू 2 द पावर ऑफ हाफ इंटू 5 टू द पावर ऑफ -5/2 डिवाइड है, तो दैट मीन्स वी विल पुट अ लाइन हियर। फिर देखो क्या है, 2 द पावर ऑफ -4 टू द पावर ऑफ -2 इंटू 5 टू द पावर ऑफ -5/2 -5/2। नाउ अब सबको ऊपर लेकर आ जाओ, तो ये देखो क्या हो रहा है आपका 2 द पावर ऑफ -2 इंटू 2 द पावर ऑफ 1/2 इंटू 5 टू द पावर ऑफ -5/2 इंटू 2 द पावर ऑफ, देखो -2 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो इट विल बिकम +2, और यहां पर भी -5/2 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5/2 इंटू 5 एंड द पावर इज 5/2। नाउ तो अब देखो बेस जो सेम है उसको एक साथ लिख दो एंड पावर विल गेट एड अप, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 द पावर ऑफ -2 एंड यहां पर है +2 और यहां पर है आपका हाफ इंटू 5 टू द पावर ऑफ, देखो क्या है -5/2 और यहां पर है +5/2। यू कैन सी दैट -2 एंड +2 गॉन, यहां पर देखो -5/2 +5/2 गॉन, तो ये हो गया आपका 0। तो यहां पर क्या आ गया देखो 2 द पावर ऑफ 1/2 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 0 एनी नंबर हूज पावर इज 0 इज 1, तो ये आपका क्या हो गया 2 द पावर ऑफ 1/2। दैट मीन्स 1/2 हम स्क्वायर रूट को लिखते हैं, तो दैट इज इक्वल टू, वी कैन से इट्स अ रूट 2। ठीक है,